उनके जो असली फूफा थे जो बहुत पैसे वाले थे वो हवाई जहाज से लाए और हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करा। तो इसका जो गलती मोदी करे उसके सजा हमारी जनता भुगत रही है, हमारा हिंदुस्तान भुगत रहा है, हमारा देश भुगत रहा है। तो ज्यादा ना कहते हुए, मोदी तेरी गुंडा कर दी, केजरीवाल तेरी गुंडा कर दी। प्रभात कुमार सर, जिस तरीके से ये कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार ने महंगाई बढ़ाई, उस तरीके से जिस तरीके से अब ये पेट्रोल के और डीजल के जैसे दाम बढ़ते आ रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत है ये, बहुत है ये। इतना रेट जो बढ़ गया है, इतने इतने रेट में कैसे चलेगा आदमी? कभी मिडिल क्लास आदमी तो मर ही जाएगा ऐसे। आप बताएं जुनैद आलम, मतलब जो महंगाई है जिस तरह से आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो पेट्रोल जो दाम है वो जो नॉर्मल थे वही होने चाहिए थे, जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो और किसी को परेशानी ना हो। जिस पर उन्होंने महंगाई बढ़ाई उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी तो एक ही मांग है कि हमेशा कांग्रेस का सिद्धांत भी एक ही है कि गरीब और मध्यम वर्ग की जितनी मदद हो उसको मदद करनी चाहिए। ये जब सरकार सत्ता में नहीं आई थी उससे पहले हर रोज 10 रुपए बढ़ने पर, 5 रुपए बढ़ने पर हर रोज प्रदर्शन किया करते। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी, आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सबसे सस्ता है, अगर आप GST और अपना वैट जो कांग्रेस के समय में था वही भी टैक्स अगर लगा लें तो आज 55 रुपए लोगों को पेट्रोल मिले, 48-47 रुपए डीजल मिले। इस महंगाई के समय में जो खजाना भरने का आप काम कर रहे हो, जो बड़े बड़े भवन बनाने के लिए लोगों को सपने दिखा रहे हो, हमारी आपसे एक अनुरोध है कि ये जो गरीब आदमी है, जो ये बेचारा मध्यम वर्ग का आदमी है, इसके मार को कम करो, पेट्रोल और डीजल के दाम घटाओ। आज पूरे भारत में हम यही प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ राहुल भाई है, सूरत भाई, ये लोग जयप्रकाश जी अपनी टीम के साथ, सोनी साहब खड़े हैं हर पेट्रोल पंप पर, आज हमारी लोगों से यही मांग। कहा जाता है कि इस समय जैसे अभिभावक कई परेशान है फीसों को लेकर स्कूल की, जैसे कोरोना में। नहीं नहीं, फीसों को तो सरकार को खुद देनी चाहिए। देखो मैं एक बात की, हम मांग करते कांग्रेस की हमेशा ये इच्छा रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको फ्री मिलना चाहिए। और इसी के माध्यम से हम आज मांग भी करते हैं कि अगर सरकार बड़े बड़े स्कूलों का फेवर करना चाह रही है तो दे दे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का खर्च माफ नहीं करती क्या? स्कूलों की फीस भर दे, अगर वो इतने हितेशी है स्कूलों की तो भर दे फीस। और इससे भी बड़ी मार, ये जो दुकानें बंद थी इनमें मिनिमम चार्जेज, जो फैक्ट्रियां बंद थी उनमें मिनिमम चार्जेज, उस पैसे से का ये क्या कर रहे हैं? अपना विज्ञापन का खर्चा कम करके स्कूलों की फीस भर दे, ये जो मिनिमम बिजली के बिल है ये दे दे, इसी से लोगों को राहत मिल जाएगी। सरकार ने इस बार राशन का उठाया था कि राशन घरों घरों में भिजवाया जाएगा, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से उसको बंद करवाया था। केजरीवाल के ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के स्टंट है, वो भी ये जानता है कि नूरा कुश्ती करनी है। जब कांग्रेस के समय में वैट 20% था कि पेट्रोल डीजल पे वैट 20% से ज्यादा लग नहीं सकता, और इन्होंने 30% कर दिया, क्या वो फाइल केंद्र के पास नहीं गई होगी? जो इनके अपने स्वार्थ के काम है वो तो उठा के जो है तभी पास कर देगा गवर्नर भी और होम मिनिस्ट्री से भी पास हो जाएगी। जो लोग हितों के काम है करने, इन्होंने कुछ नहीं, दोनों मिलकर पब्लिसिटी करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं प्रदीप कुमार पांडे रिठाला विधानसभा के प्रत्याशी रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। इस पेट्रोल पंप विजय विहार पे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो महंगाई की मार, एक तो काम धंधा नहीं है, आप देख रहे हैं स्थिति क्या है व्यापारियों का और जनता की भी, खाने के लाले पड़े हैं, काम नहीं है, लॉकडाउन से अभी देश निकल रहा है, दिल्ली निकल रही है और उसमें भी पेट्रोल डीजल के दाम 100 के ऊपर कर रहे हैं। 200 रुपये के 200 यूनिट तक बिजली को फ्री करने का एक ढोंग रचा करके ये सप्ताह में केजरीवाल सरकार आई, अपनी GST और वैट कम नहीं कर रही है जिससे कि महंगाई की मार कम पड़े लोगों पर। तो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है, हम जनता के साथ हैं और जनता पे जो मार, डबल मार पड़ रही है उसके खिलाफ हम केंद्र सरकार के यहाँ खड़े हैं और पूरी रिठाला विधानसभा में हर एक पेट्रोल पंप पे तमाम कार्यकर्ता लोग प्रदर्शन करें। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राहुल गर्ग, रिठाला विधानसभा, विजय विहार वार्ड नंबर 26, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट। तो दोनों सरकार जो केंद्र में बैठी है और दिल्ली में बैठी है, कि आज देश के और दिल्ली के हालात क्या हैं, आज देश और दिल्ली किस हालातों से गुजर रही है, आज लोगों के पास 2 टाइम का भोजन करने का व्यवस्था नहीं है, जब भी ये लोग दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, आज घर में जो सरसों का तेल
हर एक आदमी को यूज करना पड़ता है, सब्जी बनाने के लिए यूज करना पड़ता है। आज उसके रेट इन्होंने 160-170 रुपए कर दिए। इतनी महंगाई पेट्रोल डीजल का पहुँचा दिया। आज महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं और इन लोगों ने उनको शराब की दुकानें खोलने के लिए इजाजत दे देते हैं, शराब को ये ऑनलाइन मंगवाने के लिए इजाजत दे देते हैं, पर किसी गरीब के लिए ये नहीं सोचते कि उस गरीब का खर्चा, उस गरीब के परिवार का पालन पोषण कैसे चलेगा। ये दिन प्रतिदिन इन लोगों ने कमर तोड़ने का काम कर दिया है। आज देश की और दिल्ली की जनता बिल्कुल इन लोगों से दुखी हो चुकी है और मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इतना सत्ता के लालच में पागल ना हो, देश की जनता के और दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। आज देश की जनता और दिल्ली की जनता बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रही है और अगर ऐसा ही रहा तो ये प्रदर्शन नहीं, देश की एक एक जनता को रोड पर आकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। डीजल किसी टाइम पे पेट्रोल से आधा होता था और डीजल एक ऐसा है कि इसमें किसान गरीब आदमी पानी देता था, बिजली से डीजल से ही चलाता था, जनरेटर गाँव में खेती भी डीजल से होती है, तो किसान को तो बहुत इसे मार पड़ गई डीजल महंगे होने से। और पेट्रोल तो आम आदमी स्कूटर यूज, सीएनजी आ गई स्कूटर में, पेट्रोल में, मोटरसाइकिल में तो सीएनजी थोड़ी ना है, ये तो आम आदमी नौकरी वाले यूज़ करते हैं, तो बेचारे 100 रुपये का 100-150 रुपये का नुकसान हो गया। तो सस्ता तेल बाहर से जो है वो तेल पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है, उसके हिसाब से पेट्रोल तो बहुत सस्ता होना चाहिए। टैक्स मार रहे हैं दोनों सरकारें, टैक्स को बढ़ा रही है, उसको टैक्स कर दें तो ये पेट्रोल बहुत सस्ता हो सकता है। उस टाइम में 60-70 रुपये मिलता था, बहुत उसी टाइम में कहते थे बहुत महंगा है, 100 रुपये किसे कहते, डीजल 85 और पेट्रोल 110-115 रुपये का अंतर डीजल पेट्रोल में कम से कम आधा अंतर होना चाहिए। इससे तो महंगाई मांग लगेगी, ट्रांसपोर्ट भी इससे महंगा होगा, जो भी कहीं ट्रांसमान आता जाता है, खाने की चीज़ें हैं, तेल है, सारी पेट्रोल डीजल से ही फर्क पड़ता है, तो ये तो बहुत महंगाई बढ़ रही है। इससे सरकार को इसको कम करना चाहिए, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, पैसे कमाने का सरकार का ध्यान है बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद कश्यप, निठाला विधानसभा। जिस तरीके से सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है, उस तरीके से जिस तरीके से महंगाई और बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले कहने के लिए है कि पहले जो सरकारें जो चली गई, जो गिरती रही, वो महंगाई के ऊपर गिरती रही, लेकिन आज 6-7 साल से मीडिया को ऐसा जाम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, कि उनके खिलाफ कोई जाता ही नहीं और ना जनता को पता लग रहा है। केवल तेल की इतनी महंगाई बढ़ गई, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो है जो कच्चा तेल था वो 110 बैरल बने था, आज जो है 70 रुपये महंगा हो गया है, लेकिन उस समय जो है 75-70 रुपये पेट्रोल लेता था, आज जो है 70 रुपये बैरल मिल रहा है पेट्रोल, तो आज 100 रुपये मोदी सरकार बेच रहा है। तो कहने के तौर पर इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई की आज दुनिया तरह तरह हो गई है, लेकिन क्या है कि सब मीडिया बिकी हुई है, जितने मीडिया है, धीरू भाई अंबानी के, संबानी मुकेश अंबानी के, सब बिके हुए हैं, विपक्ष को बोलने का नंबर नहीं देते हैं, ये अपने बात करते हैं क्योंकि पैसे देख सब बिकी हुई है, तो प्रचार नहीं हो पा रहा है महंगाई के ऊपर। और अब की जनता हमारी जनादेश जो है अब की मोदी को फाड़ के फेंकेगी, क्योंकि आज सरसों का तेल जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कि देहात में भी जो है 180 रुपये किलो बिक रही है, जो कि देसी घी का भाव था पहले, किसी समय कांग्रेस के टाइम में ये देसी घी का भाव होता था, लेकिन आज जो है आज मोदी सरकार ने जो है 180 रुपये जो किलो सरसों का तेल बेच रही है उसकी तो बात ही, और देसी घी तो नामो निशान नहीं है, उसकी कहां गई। लेकिन सबसे बड़ी आज सबसे बड़ा यह है कि महंगाई तराता है और सारे महंगाई जो है पेट्रोल और डीजल देख लीजिए आप, किसानों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसान 6-7 महीना हो गया भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार जो नहीं रही, क्यों? उन्होंने कंपनियां बेची अंबानी को बेच रखी है, क्योंकि उनको मुनाफा जितने चुनाव में पैसे लगे सब अंबानी का पैसा लगा है उसमें, क्योंकि जिस तरह सरकार पैसा खर्चा कर रही है, चुनाव प्रचार पे कर रही है और चीजों पर कर रही है, और फिर दूसरा वो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान को बेचने का नंबर लगा दिया है, रेलवे बेचा, लाल किला गिर भी रखा, हवाई अड्डा गिर भी रखा, और जो कि रेलवे हिंदुस्तान का एक नाक थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान का पेट जो है रेलवे भरता था, लेकिन रेलवे भी गिर भी रख दिया, क्योंकि वहां से आमदनी है, ड्राइवर कान को दे दिया है,
बाकी क्या अगर इसमें सख्ती करते क्या वो नहीं कर सकते थे? जब हमारे लालू रेल मंत्री थे कांग्रेस के टाइम में, उस समय रेलवे फायदा जा रही थी। यही कहेंगे जनता से कि हमारी जहां तक बात जा रही है अब तो मोदी सरकार को हाथ फेंके, और जब कांग्रेस की राज आ गया तो यही पेट्रोल जो है 60-70 रुपए लीटर बिकेगा, ये दावा करते हैं। क्योंकि ये जितने सरमादार है, ये जो पूंजीपति है, इनके खर्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस से गरीब पार्टी है, एक गरीबों का मसीहा है जो गरीबों को हमें साथ दिया। कहते 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने जिस समय देश आजाद हुआ था यहाँ पे 1 किलो अनाज भी पैदा होता था। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर चंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी में सारी उम्र काम किया। गलत नीतियों और रीतियों को देखते हुए मैंने इसको बिल्कुल ही जवाब दे दिया और इनको छोड़ दिया। मुझे कांग्रेस की एक नीति सबसे अच्छी लगी, ये कि वो गरीब के, मजबूर के, मजदूर के हक में हमेशा अपना स्टेप उठाती आई है और उठाती रहेगी। मुझे इसी उम्मीद के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी को नमस्ते करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व की, ये जो हमारी सोनिया गांधी नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी है, मैंने इसको ज्वाइन किया। उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए सबसे बड़ा हमारे विजय वार्ड 26 के जो नुमाइंदे हैं आने वाले राहुल गर्ग जी, उनको मैं श्रेय देता हूँ, उन्होंने मुझे इस मुहिम में जोड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेतृत्व की तरफ से, जिला रोहिणी की तरफ से, मैं अपने सेंटर की गवर्नमेंट और जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महंगाई काल में, इस कोरोना काल में, हमारे इस बिगड़ी हुई संकट के काल में आप कुछ ध्यान दीजिए। जो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिक सकता है, हमें मिलता है, उसके ऊपर आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। उसके अंदर दिल्ली की अलग से टैक्स बढ़ाए जाते हैं। वो आज हमारे यहाँ टैक्स दिखाया है, पेट्रोल पंप पे खड़े हैं हम, अभी अभी बात पता लगा कि एक पेट्रोल है उसको 100 रुपए लीटर लेते हैं, और हमारा डीजल जो है 86-87 रुपए के करीब हमने कल भी डलवाया, अभी भी डलवाया। अब इन हालात में जब डीजल का रेट बढ़ेगा, पेट्रोल का बढ़ेगा, तो आप समझे कैरिज के रेट बढ़ेंगे, ये ड्राइवर लोग रोएंगे, मालिक क्या करेंगे, ये ट्रकों के रेट बढ़ेंगे, वो किस पे पड़ेगी? जनता पे पड़ेगा। जो दाल कभी 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो से ऊपर नहीं थी, अब 200-150, 250 के करीब जा पहुंची है। जो सरसों का तेल, अब अफसोस की बात यह है कि आपके सरसों हर बार कहते थे कि कम हुई है, लेकिन अब 25% ज्यादा पूरे देश में सरसों पैदा हुई है। ये एक रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का अपना एक वो सिस्टम है जिसमें बताया गया। अगर 25% ज्यादा बढ़ी है तो सरसों के तेल के रेट कैसे पहुंच गए 200 के करीब? गरीब आदमी तेल भी नहीं खा सकता और भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चाहूंगा कि आपके सभी साथियों से कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल सरकार है और आपकी सरकार जो हमारी दिल्ली में बैठी है, वो इस गरीब जनता के लिए कुछ करे, सोचे, वरना आगे के लिए नमस्ते होने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।